हे गाइस, कैसे हो आप सबको? आई होप सो कि आप सब ठीक हो। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका। तो मैं आपका दोस्त सादिक मालिक। तो भाई आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एयरपोर्ट एरिया से भाई, क्योंकि एयरपोर्ट एरिया आए हुए हैं एक फ्रेंड, उनका एक सिल्वर मेडल आया हुआ है फॉरेन कंट्री से। वो एक्चुअली वेट लिफ्टिंग के अंदर गए थे, तो आज उनकी वापसी थी। तो पापा के फ्रेंड है खास, इसलिए पापा ने कहा चलना। आज फाइनली उसकी वापसी हो चुकी है, आज हम जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट एरिया। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ तो पापा के साथ में, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि पापा के साथ में तो व्लॉग मैं बिल्कुल छेड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि व्लॉग की बात ही नहीं करता हूँ। आई थिंक सो कि वो आ चुके हैं भाई, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। तो फिलहाल भाई यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क। पता क्या था कि मैंने ना ये वाली नंबर प्लेट उतार दी थी भाई, ये देख रहे तुम, ये वाली नंबर प्लेट उतार दी थी। मैंने सोचा पापा साथ में कहीं रोके ना, पापा के साथ में मैंने सोचा कहीं रोके ना, इसलिए मैंने ये नंबर प्लेट उतार दी थी। तो गाड़ी सीधी लगाते हैं फिर जाते हैं आगे। हमारी टोली पूरी आ चुकी है यहाँ पे, सभी यहाँ से निकलना सीधा मैं चौधरी की तरफ से। तो भाई यहाँ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद निकलते चौधरी के लिए भाई। आपको बता नहीं सकता कि क्या हालात है, क्या इस टाइम मेरे अंदर क्या जज्बात है, पता नहीं क्यों कैसे, अब वो रीज़न पता नहीं किसी को। फिलहाल देख रहे हो मैं अभी आया हूँ यहाँ इस वाले पार्क में। तो रास्ते में बड़ा कुछ था दिखाने के लिए, बड़ी सारी बातें थी करने के लिए, बट ये कि ना मन ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ आपसे बात करूँ या व्लॉग बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ। कुछ दिन से पहले टेंशन चल रही थी, जब मैंने कल से वो इंसिडेंट देखा है ना अपने सिद्धू भाई का, दिक्कत क्या आएगी, मेरे वो कोई ब्लड रिलेशन में नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था वो। बट ना एक इंसान से ना अटैचमेंट होती है यार, जब उसने पहला सॉन्ग निकाला था ना तो मुझे याद है, तो जस्ट लिसन, वो हमने सुना था। तो मैंने वो फर्स्ट सॉन्ग था जब मैंने वो सुना था, तो मैं उस सॉन्ग का ना और बंदे को मैंने तलाश करना शुरू कर दिया था कि यार इस बंदा कौन है। तो सिद्धू मूसेवाला से मैं उस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैंने उस बंदे को फॉलो करना शुरू किया था। कंटिन्यूसली जितने भी उसके गाने आए वो सुनता गया। उसके बाद उस बंदे से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, वो ग्राउंड लेवल से ना एक इतने पिक तक गया था और विदाउट सपोर्ट अपने टैलेंट पे। तो ये सब चीज़ें एक इंसान से सीखने को मिलती थी। सच में कह रहा था, मैं ज़िंदगी का एक बार सोचा था कि मैं जाऊँगा उसके पिंड, जाऊँगा उसके घर पर, जाऊँगा और उससे मिलूँगा। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे जिसके कारण हमें ये सब सुनना पड़ेगा। और जब मैंने वो कल सुना ना, तो सच में बोल रहा हूँ कि सुनने पे मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हो सकता है। चलो उसकी वो किसी की पर्सनल संदेश थी क्या था, अब मुझे नहीं पता और ना मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा क्या था। बट मैं इतना बोलना चाहूँगा यार, कुछ भी है वो एक किसी माँ का बेटा था, घर पे एक ही था, कैसे सरवाइव करेंगे घर वाले, क्योंकि वो जो चला जाता ना तो सो वो चला जाता भाई। मैंने पहले भी इससे पहले काफ़ी कुछ ऐसी बातें की हुई हैं जिससे आप लोगों ने सुनी होंगी या देखी होंगी कि इस बंदे के लिए मैंने क्या वर्ड बोले होंगे। तो भाई मेरी नज़र में वो लीजेंड था, तो लीजेंड है, वो लीजेंड रहेगा। इस बंदे के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं हम, सिर्फ उसके लिए एक प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो हम बंदे उस बंदे को वापस ला सकते हैं। काफ़ी सैड न्यूज़ थी ये। और बात करूँ इंडस्ट्री की, तो पंजाब इंडस्ट्री के लिए ना एक वो लीजेंड बंदा था यार, सच में। इतना तबाही उस बंदे ने इंडस्ट्री के अंदर लाई थी ना, उतनी किसी ने लाई थी, क्योंकि भाई उस बंदे ने ना इंडिया से बाहर भी फॉरेन में उस बंदे के मैंने देखे थे कि भाई काफ़ी सारे शोज वगैरह फॉरेन में भी हुए थे, जो इंग्लैंड के थे, काफ़ी सारे बंदे उसकी वीडियो लगाते थे, काफ़ी उस तरह स्टेटस वगैरह लगाते थे। बेशक उनको समझ वगैरह कुछ नहीं आता था, बट वो लगाते थे भाई, कि भाई सिद्धू का नाम इंडिया के बाहर भी चल रहा था। एक डिप्रेस होता ना बंदा, सो मैं थोड़ा शॉक नहीं होगी। रात को मैं उस बंदे के गाने सुन रहा था, बस अगर वो जिंदा होता, लाइफ में होता ना, तो उस बंदे ने इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा देना था। देखता हूँ कि यार उसके जो पिंड में है पूरा पिंड उसे सपोर्ट करता है। बाकी पॉलिटिक्स चलती रहती है, सब कुछ चलते रहते हैं। लीजेंड है भाई, मेरे लिए लीजेंड है। सो ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे, हो सके उसके घर वालों को थोड़ी सब्र दे, हम इतने कह सकते हैं भाई। अनदर हेटर्स हैं भाई, जो हेटर्स नहीं बोलूँगा, जिनको बात का पता नहीं है, जैसे मुझे प्रॉपर बात का पता नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी बताया जा रहा है ऊपर, अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक कोई पता नहीं है। इसलिए भाई गलत टिप्पणियाँ करना बंद करो। जिसका बच्चा चला गया है उन्हें पूछो कि फीलिंग क्या होती है, या जिसका भाई चला गया है, जिसका जैसे कज़न थे जो, उनको पूछो कि फीलिंग क्या होती है, किसी को खोने का गम क्या होता है। फेक न्यूज़ बनाते हैं तो उनको बोलूँगा स्टॉप इट, तो ये चीज़ें मत करो, आपकी की चीज़ें किसी को हर्ट कर सकती हैं, तो ये चीज़ बोलूँगा। बाकी लव यू है सबको यार,
दुश्मनी मत फैलाओ, प्यार से रहो जितने प्यार से हो सके भाई। पता नहीं कब किसने क्या चले जाना है, सो थैंक यू भाई, इतना बोलना चाहूँगा। चलो यार जल्दी आएगा सब कुछ, कंटिन्यू करूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा, लव यू बाय। जिंदगी का भरोसा तो नहीं, हर एक ने जाना ही, आज जड़ी सिद्धू तेरे नाल हुई, आज किसी ने नहीं बुलाना है। तू तो चल गया पतंगरा, पर इंडस्ट्री बिच तेरा नाम लीजड़ा बिच आना है। एक मिनट भावे साल मिठिए जदों कि तार तार गोली चल रही।